नदर सुंदर साजे, परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ ही होता है प्रेम के प्रसंग से। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदे तबक करे रत। जैसे अक्षरातीत की महिमा अनंत है, वैसे प्रेम की महिमा भी अनंत है। वाणी कहती है इश्क शब्दातीत साक्षात, यदि अक्षरातीत शब्दों की परिधि में नहीं आते तो प्रेम भी शब्दों की परिधि में नहीं आता। यदि हमें परमधाम का साक्षात्कार करना है, राज्य को पाना है, अपने आत्मिक नेत्रों से उन्हें प्रत्यक्ष देखना है, तो अपने हृदय में हमें प्रेम का रस भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम वह अनमोल संपदा है जो इस ब्रह्मांड की नहीं है। वो इश्क न था इतने दिन कईयों ढूंढिया गुण, इस सृष्टि में न जाने कितने ऋषि मुनि हो गए, योगी यति हो गए, जिन्होंने उस सच्चिदानंद परब्रह्म को खोजने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। किसी ने साकार माना, किसी ने निराकार माना, लेकिन किसी को प्रेम की सुगंधि तक नहीं मिली। सभी गुफाओं में, अपनी कुटियाओं में शून्य समाधि लगाते रहे, प्रेम का रस उनको चखने के लिए एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो पाया। हम सुंदर साथ स्वयं को कहते हैं कि हम परमधाम की ब्रह्मात्मा है, किंतु हमारे पास रसखान जैसा दीवानापन नहीं है, मीरा जैसी भावलीनता नहीं है, सूर जैसी श्रद्धा भावना नहीं है। हम कहते हैं कि ब्रह्मश्रेष्ठ कह वेद ने ब्रह्म जैसी तदुगत, परम धाम की ब्रह्मसृष्टि अक्षरातीत के समान ही है। तो हमारे हृदय में प्रश्न यह होता है कि अक्षरातीत तो प्रेम के सागर है, हमारे हृदय में घृणा का ज्वालामुखी क्यों धधक रहा है? सारा समाज देखा जाए तो नाम और मंत्र की ओट में इस तरह से लड़ रहा है जैसे दो परंपरागत वैरी हों। यदि किसी की श्रद्धा निज नाम श्री कृष्ण जी पर है और किसी की श्रद्धा निज नाम श्री जी साहब पर है, तो इसमें विवाद क्यों? एक ही अक्षरातीत के तो दोनों नाम है। मंत्र का अर्थ होता है मननात मंत्र, मनन किए जाने से वो मंत्र है। मंत्र के रूप में ज्ञान का सूत्र होता है, ज्ञान सत्य को दर्शाता है, लेकिन सत्य को प्राप्त कराने वाला तो प्रेम है। यदि कोई ब्रज वाले नाम को प्राथमिकता देता है और वो निज नाम श्री कृष्ण जी कहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यदि कोई जागनी वाले स्वरूप को प्राथमिकता दे रहा है कि जो अक्षरातीत ब्रज में थे, जो रास में थे, वो इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राणनाथ के स्वरूप में आए हैं, तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? वाणी कहती है ब्रिज वालों पीसो ये बचन अपन को कहत है ते, ये बचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए, रास मिने खिलाए जिने प्रगट लीला करी है तीने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावन आए। ये चौपाइयाँ उस प्रकाश हिंदुस्तानी की हैं जिसके अधिकतर प्रकरणों का यही सार तत्व है कि अक्षरातीत इस जागनी लीला में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। उपरोक्त चौपाइयों में यह भाव दर्शाया गया है कि जिस अक्षरातीत ने ब्रज में लीला की, जिसने रास में लीला की, वही महामती जी के धाम हृदय में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ रहे हैं, उन्हीं को हम श्री जी कहते हैं। स्वरूप एक है, तन बदलता गया। ब्रज में उसने श्री कृष्ण का तन धारण किया तो जागनी में मिहिराज का तन धारण किया। आखिर यदि हम अनुसुईया के जय लगा सकते हैं, अनुसुईया के जयकारे हम बोलते हैं, हनुमान की जय हम बोलते हैं, भगवान शिव की हम जय बोलते हैं, लेकिन निज नाम श्री जी कहने से आपत्ति क्यों आ जाती है? बहुत हंसी की बात लगती है जब समाज का निर्देशन करने का दावा करने वाले महान पुरुष भी जब ये कहते हैं कि राजन स्वामी से बात ना करो क्योंकि वो निज नाम श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, उनसे बात करना पाप है, तो आश्चर्य में डूब जाना पड़ता है।
कि सामान्य सुंदर सातु सामान्य है जो सबके पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं, उनके मुख से भी ये घृणा के शब्द क्यों निकल रहे हैं कि उनसे बात न करो? इसका परिणाम क्या होगा? यदि घृणा की यही भावना बनी रही तो समाज तो दो भागों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आखिर एक ही अक्षरातीत के मानने वाले दो भागों में क्यों बट रहे हैं? एक ही अक्षरातीत को मानने वाले आपस में एक दूसरे को घृणा की दृष्टि क्यों देख रहे हैं? जब हम बस में यात्रा करते हैं तो अपने पड़ोस में बैठे हुए किसी व्यक्ति से क्या उसका धर्म पूछते हैं, क्या उसकी फिलॉसफी पूछते हैं कि किस मान्यता को मानता है? क्या हम वायुयान में यात्रा कर रहे हों और हमारे बगल में कोई क्रिश्चियन बैठ जाए, मुस्लिम बैठ जाए, तो क्या हमारा अधिकार है उसको हम वहाँ से बहिष्कृत कर सकें? यदि हम औरों के साथ इतना शिष्टाचार का पालन कर सकते हैं कि विपरीत विचारधारा वाले के साथ बैठने में हमें कोई झिझक नहीं होती, बस में, ट्रेन में या वायुयान में, तो धार्मिक मंचों पर एक दूसरे की हम शक्ल भी देखना नहीं चाहते, सामान्य शिष्टाचार में भी हम बात भी नहीं करना चाहते, ये कैसी मानसिकता है? प्रश्न यह है कि धर्म तो सारी सृष्टि को धारण कर रहा है, धर्म तो धारित प्रजा। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी धर्म धारण कर रहा होगा, क्योंकि जो धर्म वही है जो सत्य है, जो सत्य है वही परमात्मा है। और हम सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परब्रह्म के अंग कहे जाते हैं। हम अपने ही परमधाम के सुंदर साथ से बात करने को भी राजी नहीं है। पूछा जाए क्या कारण है, उत्तर मिलता है कि वो निज नाम श्रीकृष्ण जी को नहीं मानते। प्रश्न यह होता है, हम मानते तो हम दोनों तारतम को है, निज नाम श्रीकृष्ण जी को भी मानते हैं, निज नाम श्री जी साहब को भी मानते हैं। रास में, प्रकाश गुजराती में, कलश गुजराती में, सट्टुति में और किरंतन ग्रंथ में निज नाम श्रीकृष्ण जी ही होगा, क्योंकि इन पांचों किताबों का अवतरण सम्मत 1735 से पहले हो चुका है। 1735 के पश्चात जो भी वाणी उतरेगी उसमें निज नाम श्री जी साहब का प्रचलन इसलिए होगा क्योंकि अब वे सबके परब्रह्म के रूप में आए हैं। वाणी कहती है, बरस 99 लो रही हुरम, सम्मत 1736 से सनंद का अवतरण शुरू हो जाता है, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद। 1638 में 99 जोड़ते हैं तो 1737 का समय होता है, यानी लगभग वही समय माना जाता है जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, यानी 1735 से 1775 तक। 1735 के पश्चात जो भी वाणी उतरेगी उसमें श्री जी का प्रचलन इसलिए होगा क्योंकि वेद पक्ष में वे श्री जी हैं तो कतेब पक्ष में साहब जी हैं। सनंद की वाणी अवतरित होती है अनूप शहर में, उसके पश्चात प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी अवतरित होती है, कलश हिंदुस्तानी की वाणी अवतरित होती है। प्राणनाथ जी शेख बदल जी को कहते हैं, शेख बदल यह ले जाओ सनंद ग्रंथ, जामा मस्जिद में सबको सुनाओ। अब प्रश्न यह है कि जो सनंद की वाणी उतरी उसमें क्या लिखा था? क्या निज नाम सिकड़ जी के तारतम को औरंगजेब स्वीकार करता? कदाचित मान लीजिए यदि औरंगजेब सनत की वाणी मंगवा करके पढ़ता तो निज नाम सिकड़ जी को देखकर वो स्वीकार करता। इसलिए सनंद ग्रंथ के प्रारंभ के कई प्रकरण कलश हिंदुस्तानी से लिए गए हैं। यह सनंद ग्रंथ वेद और कतेब की दोनों धाराओं को एक करने के लिए, जो कलश हिंदुस्तानी में जो बातें दर्शाई गई हैं सनंद में भी उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, ताकि सनंद ग्रंथ का अनुशीलन करने वाला वेद पक्ष को भी जान जाए और कतेब पक्ष को भी जान जाए कि दोनों में क्या सत्य है और दोनों सत्य की धाराओं का वास्तविक संगम श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में होता है। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी कोई एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड के लिए है, सारी मानवता के लिए है। और जब हम एक मानव धर्म मानव कल्याण की बात करते हैं सारी सृष्टि को, हम तो कहते हैं प्रेम प्याला में भर भर पीऊँ, त्रैलेकु छाक छकाऊँ, चौदह भवन में करूँ उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पी पास जाऊँ।
महामती जी के शब्दों में तो ये निकलता है कि हम 14 भवन में करूं जाला, हम केवल कंठ की महत्ता बताते फिरते हैं, तिलक की महत्ता बताते फिरते हैं, तारतम वाणी की महत्ता क्यों नहीं बताते? हम अपने आचार्य पदवी की गादी की महत्ता बताते फिरते हैं तो श्री प्राणनाथ जी की महिमा क्यों नहीं बताते? हम करोड़ों बार मंत्र जपने की महिमा बताते हैं कि हम 16 करोड़ बार तारतम महामंत्र का जप कर लेंगे तो हमें अमुक उपलब्धि हो जाएगी। प्रश्न यह है, चारों वेदों में, चारों उपवेदों में 6 अंग, 6 उपांग, 1127 शाखाओं में कहाँ लिखा है कि गले में कंठी की माला पहनिए, तिलक लगाइए और इतने करोड़ बार मंत्र का जप कीजिए? योग दर्शन में स्पष्ट कहा है, तत् जपः तदर्थ भावनम, यानी मंत्र का जप या परमात्मा के नाम का जप अर्थ की भावना से होना चाहिए। यदि कोई अपने बच्चे का नाम कृष्ण रख ले तो क्या वो अक्षरातीत हो जाएगा? जब सृष्टि तो 1,96,08,53,118 वर्षों से चल रही है, ये पृथ्वी लोक की सृष्टि, नौ ग्रहों की, अब इसमें न जाने कितने लोगों ने अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखा होगा। हम कृष्ण शब्द की महिमा तो अवश्य गाते हैं, उसको व्याकरण से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि ब्रज लीला के प्रकट होने से पहले भी कितनों ने अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखा होगा। क्या वे अक्षरातीत थे? अक्षरातीत का संबंध वहां से है कि उसमें अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान हो। जब तक किसी तन में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान नहीं होता तब तक उसको अक्षरातीत की शोभा नहीं दी जा सकती। जब वो आवेश स्वरूप ब्रज के पश्चात रास में जाता है, रास के पश्चात परम धाम में मूल तन में विराजमान हो जाता है। वाणी कहती है, रास खेल के आए घर, उम्मीदा न हुई या पूरन, धाख मन में रही, तब श्यामा जी को धनिय हुकुम ऐसो की हो सही, तब हम भी आयतित, श्यामा जी आयचित। रास खेल कर सब परम धाम जाते हैं, पुनः इस जागने के ब्रह्मांड में आते हैं। वाणी कहती है, हमको खेल दिखावन काज, हमसु आगू आए श्रीराज। राज्य कहे बिना तो परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं आ सकती। जब वही राज्य जिन्होंने पहले ब्रह्मांड में ब्रज और रास का खेल दिखाया था वही जागने के ब्रह्मांड में आए हैं तो उनसे घृणा क्यों? उनके नाम से भी घृणा क्यों? उनको हम आचार्यों के स्तर पर खड़ा कर देते हैं, उनको ये कह देते हैं कि वो महापुरुष हैं, संत हैं, कवि हैं, देवचंद जी के शिष्य हैं, लेकिन अक्षरातीत मानने के लिए तैयार नहीं होते। महाराजा छत्रसाल जी ने भरी सभा के बीच में डिंडिम घोष के साथ कहा था कि सात समस्त के बीच में जुगलधनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी संग ले पधारी मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात पर। आपको अक्षरातीत के सिवा किसी अन्य रूप में यदि कोई देखता है तो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं। प्रश्न यह है कि हम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को हम आचार्यों की परंपरा में खड़ा कर देते हैं। देवचंद जी को पहला आचार्य, श्री प्राणनाथ जी को दूसरा आचार्य, और तीसरे नंबर पर हम केसरबाई, तेजस्वी बाबा और कईयों को रख देते हैं और स्वयं को भी उनके समकक्ष मान लेते हैं। हम श्री प्राणनाथ जी को एक आचार्य, संत, महापुरुष, कवि से ऊपर नहीं होने देते, स्वयं को उनके समकक्ष मानते हैं। आखिर यह कैसी मानसिकता? क्या प्राणनाथ किसी भी चौपाई में लिखा है कि प्राणनाथ किसी संत को, महापुरुष को, आचार्य को कहते हैं? यदि आपकी भावना में प्राणनाथ यदि संत हैं तो प्रश्न यह है कि वाणी किसने कही, तब तो यह संत की वाणी है। यदि आप ये कहें कि प्राणनाथ जी के स्वरूप में श्री कृष्ण परमात्मा बैठे हैं तो प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? मांगा किया राधाबाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, श्री कृष्ण के तन में तो प्राणनाथ बैठे हैं। कंठ बावटी फरे साथ इमरंगे शिव प्राणनाथ, रास में भी तो वही प्राणनाथ जो हमारी आत्मा के जीवन का आधार है उसको प्राणनाथ कहते हैं। उसी को श्री जी कहते हैं, लई तारतम अजवालु सार वली श्री जी अव्यावार। श्री जी किसको कहा गया है? तारतम ज्ञान का उजाला लेकर जो श्री जी अक्षरातीत देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे थे वही श्री जी पुनः मिहराज के तन में लई तारतम अजवालु सार वली श्री जी अव्या आवार मिहराज के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए।
જાણે રેખે કેને ઉત્કંઠા રહે સાથ ઉપર ધની એટલો ન સહે કિસી કે મન મેં સંશય ન રહ જાય ધામ ધની ઇતના ભી સહન નહીં કર સકતે પરમ ધામ કી વાણી ઉતરી હૈ લેકિન ચારો તરફ યહી પુકાર ચલ રહી હૈ પ્રાણનાથજી સંત હૈ પ્રાણનાથજી મહાપુરુષ હૈ પ્રાણનાથજી કવિ હૈ પ્રાણનાથજી દેવચંદજી કે શિષ્ય હૈ મહારાજા છત્રસાલજી કે ગુરુ હૈ ये सारी बातें सुनते सुनते तो कान पक जाते हैं। आश्चर्य तो तब होता है मात्र लक्ष्य सिद्धांत कौमदी के कुछ सूत्रों को पढ़कर हम व्याकरण के बल पर जबरन थोपने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण नाम अक्षरातीत का है और परम धाम में वही नाम चलता है। वाणी तो कहती है खेल में मेदी तोतला जुबा कजा एठोर आगे तो नूर तजल्ला तहाँ जुबा बोला है। परम धाम को एक भाषा के बंधन में नहीं रखा जा सकता। बेहद को शब्द न पहुँची तो क्यों पहुँचे दरबार लुगा न पहुँचा रासलो इन पार के भी पार। बेहद में इस दुनिया का कोई शब्द नहीं जा सकता, न हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं संस्कृत नहीं उर्दू फारसी कोई भाषा नहीं। हम ये कहें कि अक्षरातीत का केवल यही नाम है ये उचित नहीं। भावनाओं के अनुसार भावों के अनुसार परब्रह्म के अनेक नामों की कल्पना की जाती है। वेद कहते हैं एकम सद बहुधा विप्रबदंत यम मातृस्वानम आहो। एक ही सत्य को परम सत्य परमात्मा को अनेक नामों से क्योंकि परब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनंत नाम है और उन नामों से परब्रह्म को संबोधित किया जाता है। उसी विचारधारा के अनुसार ब्रज में जिस अक्षरातीत ने तन धारण किया उसका नाम श्री कृष्ण है। हम शरीर के नाम को अक्षरातीत पर घटित करते हैं। उस स्वरूप को अक्षरातीत का स्वरूप तब तक माना गया जब तक उस तन में वो आवेश लीला कर रहा था। क्या 11 साल 52 दिन के बाद भी तो उस तन का नाम श्री कृष्ण ही था? लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं था, दूसरा ब्रह्मांड बना। 11 दिन तक जिस अखंड बेहद की शक्ति ने जिसको पौराणिक भाषा में गोलोक की शक्ति कहते हैं 11 दिन तक 7 दिन गोकुल में 4 दिन मथुरा में लीला की उसका भी नाम श्री कृष्ण है। जिसने महाभारत का युद्ध कराया प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का संहार अपनी आंखों से देखा उसका भी नाम श्री कृष्ण ही है। तो क्या उसको भी अक्षरातीत कह सकते हैं क्योंकि उसका नाम तो श्री कृष्ण है। व्याकरण के बल पर किसी भी शब्द को हम तोड़ मोड़ को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि परम धाम में राधा जी हैं परम धाम में कृष्ण जी हैं ब्रज और रास में राधा श्री कृष्ण की लीला हुई। ब्रज में इस दुनिया के भावों के अनुसार जिस तन में युगल स्वरूप ने लीला की उसको हम राधा और श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन ये कहें कि यही राधा कृष्ण मूल मिलावे में भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम सत्य को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप राधा कृष्ण को अक्षरातीत मानते हैं तो हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में आपके लिए घृणा नहीं। हम तो हर सुंदर साथ का सम्मान करते हैं, हर प्राणी का सम्मान करते हैं। वेद की शिक्षा है मित्रस्य चक्षुषा अहम् सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं इस संसार के सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम तो सुंदर साथ के प्रति भी प्रेम का भाव नहीं रखते। हम घृणा से बात भी नहीं करना चाहते कि ये निज नाम श्री कृष्ण जी को नहीं मानते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं। जिनके हृदय में परम धाम की शोभा विराजमान होनी चाहिए, जिनके हृदय में नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा विराजमान होनी चाहिए, जो सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आए हैं, यदि वो एक मंत्र के नाम पर लड़ें दूसरों से घृणा की दृष्टि से देखें तो यही लगता है कि उनके हृदय में वाणी का प्रकाश नहीं, प्रेम की रसधारा नहीं। श्री कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप हैं। राधा और श्री कृष्ण ने इस संसार में प्रेम की अलौकिक लीला की। वाणी कहती है कि वो इश्क न था इतने दिन कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टिला इत ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनिया में कित। इस दुनिया में कहीं प्रेम नहीं था। हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाने वाले लाखों करोड़ों हो गए होंगे। वनों में तपस्या करते करते अपने सिर पर जटाओं का बोझ ढोने वाले भी लाखों करोड़ों हो गए होंगे, लेकिन उनके हृदय में अलौकिक प्रेम नहीं था। उन्होंने साधनाएं की, शरीर को कष्ट दिया, मन को जीता, लेकिन प्रेम से वे वंचित रहे, क्योंकि प्रेम तो शब्दातीत कहिया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर।
जो शब्दातीत के पार तीन पार ज्योति का था तेजरे, यासु था तेरा संबंध पर तेराख्या न कछुए हेजरे। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि हमें परम धाम का ज्ञान मिला है। परम धाम का ज्ञान मिल पाकर लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़कर यदि हम भाषा के नाम पर जबरन थोपने का प्रयास करते हैं कि परम धाम मूल मिलावे में राधा कृष्ण ही हैं और वही मुख्य नाम है, राजश्यामा जी गौड़ नाम है, प्राणनाथ संत को कहते हैं, आचार्य को कहते हैं, कवि को कहते हैं, महापुरुष को कहते हैं, तो लगता है कि हम सत्य के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने तो लगेगा कि हम स्वयं भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणी तो जब ये कहती है कि शब्द से परे है अक्षरातीत, उनको शब्दातीत कहते हैं, यदि किसी ने निज नाम से कृष्ण जी कहा तो हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं। हम इतना मानते हैं कि ब्रज में अक्षरातीत के द्वारा की गई लीला श्री कृष्ण जी के नाम से चली और उस नाम से तारतम श्री देवचंद जी के तन से उतरा। तारतम का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला वह ज्ञान जो हमारी आत्मा का प्रियतम परब्रह्म से एक तारतम्य स्थापित कर दे। यह ज्ञान तो सारे ब्रह्मांड को एक करने के लिए था, मत मतांतरों के झगड़ों को मिटाकर सबको सच्चिदानंद परब्रह्म की राह पर दिखाने वाला था। लेकिन इसी ज्ञान की ओट में जो पथ प्रदर्शक हैं वही लड़ेंगे कि यह निज नाम श्री कृष्ण जी वाला है या निज नाम श्री जी वाला है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे तो हंसी आती है कि संसार तो बांट रहा देख रहा था कि सत्य सत्य का निर्णय करने वाले न्यायाधीश रूप ब्रह्मणी आएंगे और वो हमको सच्चा मार्ग दिखाएंगे, लेकिन पथ प्रदर्शक ही भटक जाए तो क्या होगा। निज नाम श्री जी भी उन्हीं अक्षरातीत के लिए संबोधन है और निज नाम श्री कृष्ण जी भी ब्रज वाले नाम का संबोधन है, लेकिन मुख्य और गौड़ नाम की परंपरा कहाँ से शुरू हो गई। अपने अपने भावों के अनुसार सबने अपने अपने नामों को रखा है। यदि संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो कृष्ण शब्द के कितने विशेषण मिलते हैं। केशव भी उन्हीं को कहते हैं। केशव नाम क्यों पड़ा? केशा प्रशस्तानि यस्य सः केशवः, जिसके बाल सुंदर उसको केशव कहते हैं, या किसी राक्षस को मारने के कारण उनको केशव कहते हैं। अलग अलग लीलाओं के कारण अलग अलग नाम पड़ गए, किसी ने गोपाल कहा, किसी ने कुछ कहा। तो प्रश्न यह है कि यहाँ की लीलाओं के कारण उनको गोपाल कहते हैं, क्या परमधाम में भी गोपाल है? क्या परमधाम में भी हम यहाँ के नामों को जबरन थोप सकते हैं? परमधाम की भाषा शब्दातीत है, परमधाम की लीला शब्दातीत है, परमधाम का प्रेम शब्दातीत है। हम संसार के बंधनों में बांधकर ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? जिसकी अनंत शोभा है उसको श्री जी कहते हैं, आखिर इस नाम में क्या गुनाह है? हनुमान के जयकारे लगाने में हमें पतिव्रता धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता। अनसुईया के जयकारे लगाने में, भगवान शिव के जयकारे लगाने में हमें कोई गुनाह नहीं लगता। यहाँ तो कि हनुमान जी की शिवा पूजा भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन श्री जी कहने में हमें घृणा होती है। क्या श्री जी अक्षरातीत का नाम नहीं है? क्या श्री जी क्या किसी रावण और कंस का नाम है कि उसका नाम लेने में हमें घृणा होती है? हमें एक बात कहकर ये भ्रमित किया जाता है कि ये तारतम मंत्र बदल दिया गया। मंत्र बदला नहीं गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब सनंत वाणी को शेख बदल सिर पर रख कर ले गए जामा मस्जिद में सुनाने के लिए, तो उस पर क्या लिखा था? निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा था या निज नाम श्री जी साहब जी लिखा था? क्या औरंगजेब निज नाम श्री कृष्ण जी को पढ़कर संतुष्ट हो सकता था? तो ये किसके निर्देशन में बदला गया? जब श्री जी के निर्देशन में ही बदला गया तो मैंने या सरकार श्री ने कहाँ इसको परिवर्तित कर दिया? और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसों में तो 250 साल की पुरानी हस्तलिखित वाणी है, बीतक है, जिसमें निज नाम श्री जी साहब की छाप लिखी हुई है। वो हमने तो नहीं किया। एक नहीं कितनी प्रतियां हैं जिसमें निज नाम श्री जी साहब की छाप लगी हुई है। वो हमने तो नहीं किया। हम तो उस विचारधारा को मानते हैं कि जागनी ब्रह्मांड में जो प्रकट हुआ है, कोई दूजा मरद न कहावी एक मेदी पाकपुरन खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। जिस तरह से ब्रज में अक्षरातीत ने श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर
12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 स्त्री सृष्टि के साथ लीला की थी। जागनी ब्रह्मांड में महामती जी की आत्मा मिहराज के तन में वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री जी के नाम से जाहिर होकर 36,000 यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के साथ जागनी लीला कर रहे हैं और तारतम वाणी का प्रकाश लेकर आए हैं कि सारा ब्रह्मांड इससे मुक्त हो जाए। न तो हम श्री कृष्ण के नाम से घृणा करते हैं न किसी नाम से। एक ही अक्षरातीत के नाम को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया है अपने अपने युग के अनुसार अपने अपने भावों के अनुसार। उसमें लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं होता। इसलिए तारतम को परिवर्तित किया हुआ तब माना जाता जब उसकी चौपाइयों में भी परिवर्तन हुआ होता। सारी चौपाइयाँ तो एक वैसी ही हैं, चाहे आप एक चौपाई का तारतम मानिए या छः चौपाई का तारतम मानिए। यदि निज नाम श्री कृष्ण जी की जगह निज नाम श्री जी साहब कर दिया गया और हमने भी नहीं किया, स्वयं श्री जी के निर्देशन में हुआ, क्योंकि शेख बदल जी ले जो स्वरूप साहब लेकर गए थे, जो सनंद ग्रंथ ले गए थे, उसमें निज नाम श्री जी का ही तारतम था। और सबसे बड़ी बात, जो 250 साल पुराने स्वरूप साहब की प्रतियां ज्ञानपीठ में उपलब्ध हैं, बीतक की प्रतियां उपलब्ध हैं, उसमें हमने अपनी कलम से तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसमें तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था न सरकार से का जन्म हुआ था। इस विवाद को हवा देकर सारे देश में घृणा की एक लहर पैदा कर देना कि कोई किसी को देखने के लिए राजी न हो, तो क्या परमधाम के सुंदर साथ का यही कर्तव्य है? यदि हम आपस में प्रेम नहीं से रह सकते, दूसरों को फूटी आंख देखना भी नहीं चाहते, बैठ नहीं सकते, वार्ता नहीं कर सकते, मंच पर तो बैठ करके संसार को संदेश देना दूसरी ही बात है। हम दूसरे पंथ के अनुयायियों से गहरी घनिष्ठता रख सकते हैं, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, वृक्षों और पत्थरों की, नदियों की पूजा करते हैं, जो नदियों की आरती उतारते हैं उनका हम सम्मान करते हैं, उनको अपने मंचों पर सम्मानपूर्वक बुलाते हैं, लेकिन जिसने निज नाम श्री जी कह दिया उसको देखना भी नहीं चाहते और निर्देश देते हैं, फतवे जारी कर देते हैं कि श्री जी वाले हैं, इनकी से बात करना भी पाप है। तो इसका तात्पर्य है कि हम स्वयं भी भटके हुए हैं और सबको भटकाने का अपराध ले रहे हैं। हम किससे घृणा कर रहे हैं? कभी हमने सोचा है जिससे हम घृणा कर रहे हैं उस तन में यदि ब्रह्मात्मा है तो ब्रह्मात्माओं के दिल में कौन बैठा होता है? ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूप। अक्षरातीत कहीं ऊपर नहीं है, ब्रह्मात्मा का दिल ही धाम होता है। आप यदि राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कम से कम उनकी लीलाओं से तो सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र राधा तत्र हम नौ आवयोः भेद क्वचित। जहाँ राधा है वहाँ मैं हूँ, हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है। आपको तो ब्रज की वो लीला याद होगी, क्योंकि भागवत आपका प्रिय ग्रंथ है। वाणी से भी ज़्यादा प्राथमिकता आप भागवत को देते हैं। आप उस घटना को याद कीजिए जब राधा सभी गोपियों को श्री कृष्ण के पास जाने से रोकने के लिए रेखा खींच देती है, किस रेखा को कोई भी पार करके नहीं आ पाएगा। फिर क्या होता है? राधा को दिखाई पड़ता है कि एक एक गोपी के अंदर वह स्वयं राधा बैठी है। आप जिस श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उस श्री कृष्ण के प्रेम और माधुर्य से भरी हुई उस लीला को तो आत्मसात कीजिए। श्री कृष्ण ने जीवन में कभी भी किसी से घृणा नहीं की, यहाँ तक कि कंस से भी घृणा नहीं किया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ प्रेम की है हमेशा लीला की, उनका जूठन भी खाया। अक्षरातीत की लीला तो कितनी प्रेममयी है ये सबको मालूम ही है, लेकिन जिस गोलोकी को कहते हैं उस गोलोकी श्री कृष्ण ने भी प्रेम के रस में पूरे ब्रजमंडल को डुबो दिया। और तो और, जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं उन्होंने भी प्रेम की ही लीला की। सुदामा जिनके पैरों में जूता नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, उस सुदामा ने भी से भी कैसी प्रेम की लीला की, जिनके बारे में अनेक कवियों ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कैसी वेशभूषा है, द्वारपाल आकर कहता है
शीश पगान जगह तनमी प्रभु जान बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाने की नहीं सोमा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देख रही हो चकिसो बसता अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। कि प्रभो एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पैरों में जूता नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़ा जो है वो भी अस्त व्यस्त है, फटा है। वो भौचक्का होकर के आपके महल को देख रहा है और बार बार कहता है कि मैं सुदामा हूँ, कृष्ण जी से कह देना। आप सोचिए, जिसको आप वैकुंठ का नाथ कहते हैं, वह वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण भी कितने भाव विह्वल हो जाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानित रोए, पानी परातु को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग्ध हुए। अपने प्रिय बचपन के सपाटी श्री कृष्ण जी सुदामा को लागर सिंहासन पर बैठाते हैं। पानी परातु को हाथ छुओने नैनुन के जलसों पग धोए, अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। आप अक्षरातीत श्री कृष्ण का प्रेमी अपने को कहलाते हैं। यदि वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण के भी प्रेमी हो गए होते तो आपके अंदर इतनी घृणा नहीं होती। आपने तो प्रेम की सुगंधि से अपने को दूर कर रखा है। घृणा की अग्नि में जलकर आपको कोई भी अध्यात्म की संपदा प्राप्त नहीं होने वाली है। न आपकी सुरता निराकार से परे जा पाएगी, न बेहद से परे जाकर परमधाम के मूल मिलाव में नक्ष से सिक्त युगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबा पाएगी। स्वयं को घृणा की अग्नि में जलना भी इच्छा में हो सकता है, लेकिन दूसरों के अंदर घृणा फैलाना कितना बड़ा पाप होता है। शब्द के जाल में रहकर परम तत्व से वंचित होना तो एक नादानी ही कही जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है भाव। आप निज नाम श्री कृष्ण जी कहिए या निज नाम श्री जी साहब जी कहिए, यदि अक्षरातीत के प्रति आपका हृदय समर्पित नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, आपके हृदय में उनकी छवि को बसाने की उत्कंठा नहीं है, आप में समर्पण भावना नहीं है, तो राज्य आपसे कोसों दूर है। अक्षरातीत को किसी भी शब्द के बंधन में नहीं किया जा सकता। यदि कोई निज नाम श्री जी साहब कहे और वो भी अपने हृदय में घृणा का गुबार बनाए रखे तो राज्य उसको भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस, प्रेमी गर्म अलग की करई त्रैलोकी की खोली चक। जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा तब तक राज्य कभी भी किसी को न तो मिले हैं, न मिलने वाले हैं, न वर्तमान में मिलते हैं। इसलिए सारे समाज को चाहिए कि अपनी भूलों को सुधारे, अपने हृदय में प्रेम बरसाए। केवल नाम के ऊपर लड़ना कि हम सिकड़ जी को मानते हैं, हम श्री जी को मानते हैं, उचित नहीं है। हाँ, ये अवश्य पूछा जाएगा, आप यदि ब्रज वाले नाम की इतनी महिमा गाते हैं तो जागनी वाले स्वरूप की आप हंसी क्यों उड़ाते हैं? क्या जागनी वाला स्वरूप अक्षरातीत का नहीं? आपको किसने अधिकार दे दिया कि उनको संत, महापुरुष, आचार्य, कवि और महापुरुष कहिए? जब वाणी में वितक में कहीं उनको आचार्य नहीं लिखा है तो आप आचार्य परंपरा में प्राणनाथ जी का नाम क्यों लिख रहे हैं? देवचंद जी का नाम क्यों लिख रहे हैं? परब्रह्म की लादिनी शक्ति को आप आचार्य बना रहे हैं। जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं उस स्वरूप को भी आचार्य, कवि और महापुरुष आप कह रहे हैं और स्वयं को उनके स्तर पर बता रहे हैं। आप गादी की महिमा बताते हैं तो प्राणनाथ जी की वाणी की महिमा क्यों नहीं बताते? आप कंठी माला की महिमा बताते हैं तो चितवनी की महिमा क्यों नहीं बताते? आप तारतम महामंत्र के जप का विधान बनाते हैं तो आप सब सुंदर साध को यह क्यों नहीं कहते कि ब्रह्मवाणी के चिंतन में डूबे और युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसाएं? जब तक आप निश्चित हैं कर्मकांडों से जुड़े रहेंगे आपके हृदय में प्रेम का रस नहीं आएगा। और यह भी ध्यान रखिए, कट सत्य तो यह है कि पूरी नीत को जोसपन काल माया नाम धरयातिन। काल माया का ब्रह्मांड पूरी निद्रा में था, उसमें न अक्षर की आत्मा को पता कि मैं अक्षर हूँ, न सखियों को पता कि हम परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं। जब रास हो रही है, जब लियो जोश कहें
खींचकर तब ते चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियाँ, ये चौंक के फिर आता। जब राज जी ने मूल स्वरूप ने देखा, फिर मूल स्वरूप देखा तीत ए दो मगन हुए खेलत। जब जोश खींचता तब अक्षर की आत्मा को बोध होता है कि अरे मैं तो अक्षर की आत्मा हूँ, मैंने धामधनी से ये प्रार्थना की थी कि मुझे प्रेम की लीला करके दिखाइए। और इस जागने के ब्रह्मांड में आपको घर का पता है, परम धाम के 25 पक्षों का पता है, परम धाम की लीला का पता है, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का पता है। 7 बार नख से सिख तक राज्य के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, 3 बार सागर ग्रंथ में और 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में, और सागर ग्रंथ में 2 बार श्यामा जी के भी श्रृंगार का वर्णन किया गया है, 1 बार आपके भी अपनी अपनी परात्म के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह है, क्या ब्रज में आपको पता था कि नख से सिख तक युगल स्वरूप का श्रृंगार क्या है? क्या ब्रज में आपको ये पता था कि हमारा परम धाम कहाँ है? ये बात तो आपको रास में भी पता नहीं थी। तभी तो झिलने के पश्चात राजी पूछते हैं कि बताओ सखियों तुम्हें क्या चाहिए? सभी सखियाँ एक स्वर में कहती हैं, हवे वाला हु इटलो मांगू, खेड़ एक अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते झड़ जाइए, आप वहाँ हमें ले चलिए जहाँ हमें एक क्षण के लिए भी आपसे अलगाव न हो। जब रास में परम धाम का ज्ञान नहीं, तो प्रश्न यह है कि हम ऐसे जागने के ब्रह्मांड में बैठे हैं जहाँ परम धाम की कोई बात छिपी नहीं, न लीला छिपी है, न शोभा छिपी है, न अक्षरातीत के हृदय के गुज भेद छिपे हैं। जिसके लिए प्रेम संवाद हुआ, इस गर्भद हुआ, उसका भी निर्णय हो गया कि एक अक्षरातीत का स्वरूप ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। ऐसे जागने के ब्रह्मांड में हम आए हैं और इसमें एक शब्द के नाम पर झगड़ रहे हैं कि महामंत्र महामंत्र। प्रश्न यह होता है कि मंत्र का उद्देश्य होता है ज्ञान का वास्तविक प्रकाश कर देना, सत्य को दर्शाना। जो हम तंत्रों की प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं कि मंत्र में शक्ति छिपी होती है, उससे अनिष्ट हो जाएगा, तो ये कोई कर्मकांड का बोधक मंत्र नहीं है कि इंद्र सत्रों वधस्व कह दे में उच्चारण में गड़बड़ी हो जाएगी तो वृत्तासुर मारा जाएगा। यह तो हृदय की पुकार है। जिसको निज नाम से कृष्ण जी नहीं कहने आएगा, यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वो भी परम धाम का दर्शन कर सकता है। इन वित देने ईमान, उपजाऊ ने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए, ये जो नूर तजल्ला हक। राज्य को पाने के लिए अटूट ईमान, अटूट विश्वास, श्रद्धा और समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है, न वितक में लिखा है कि इतने करोड़ मंत्र का जप कर लेंगे तो आपको राज्य का दर्शन हो जाएगा। पुरस्चरण का विधान हमारा नहीं है, ये पौराणिकों का है। जिनको ये पता नहीं होता कि मंत्र में निहित ज्ञान को आत्मसात करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। मंत्र का जप करना तो प्रारंभिक अवस्था है, नर्सरी क्लास की है। जैसे बच्चों को प्राथमिक कक्षा में दाखिला दिया जाता है कि अब ये विद्यार्थी बने, वैसे ही मंत्र दे करके हर व्यक्ति को परम धाम की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसी को सब कुछ मान लेना कि हमने एक चौपाई रट लिए, अब हमें परम धाम मिल जाएगा, बहुत बड़ा भ्रम है। श्री जी के साथ 5,000 की संख्या में सुंदर साथ पन्ना जी पहुंचे। आवश्यक तो नहीं कि सभी पढ़े हों, लेकिन सबके हृदय में अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है कि यह जो स्वरूप है हमारे लिए साक्षात अक्षर अतीत का स्वरूप है। और इसीलिए इसी प्रेम विश्वास के बल पर जाको दिल जिन भात सो ता सो मिले तीन विध, मन चाहिया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे तो किसी कोई यदि उनको राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहता है तो उनको उसी रूप में दिखाई देते हैं, कोई परम धाम के युगल स्वरूप राजश्यामा जी के रूप में देखना चाहता है तो उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं, कोई श्री देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है तो देवचंद जी का रूप दिखाई देता है। वे तो सबके हैं, लेकिन यह घृणा कर लेना कि प्राणनाथ जी को हम संत और महापुरुष कहें और श्री कृष्ण नाम को जबरन थोपे, कहीं भी उचित नहीं है। कृष्ण का अर्थ आकर्षणशील होता है, भौतिक विच्छेदक ब्रह्म होता है। आप व्याकरण साहित्य के आधार पर आप कुछ भी कहिए, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह भी तो सोचिए कि हर व्यक्ति भी स्वतंत्र होता है।
यदि श्री कृष्ण का अर्थ अक्षर अतीत होता है तो प्राणार्थ का अर्थ संत कहाँ से हो गया, आचार्य कहाँ से हो गया? क्या प्राणार्थ का अर्थ अक्षर अतीत नहीं होता? क्या सृजी का अर्थ अक्षर अतीत नहीं होता? इसलिए आज सारा समाज जिस घृणा की अग्नि में जल रहा है, वह घृणा की अग्नि और न फैले, यही मेरा सबसे निवेदन है। सबको आत्मसात करना होगा कि हम अपने हृदय में प्रेम की रसधारा बहाएं। जिसके हृदय में प्रेम आ गया, उसको कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि इल्म का प्राण है इश्क और इश्क का प्राण है इल्म, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, हम ब्रह्मवाणी के रहस्यों को नहीं समझेंगे। वाणी कहती है कि बहुत धन लाए धनी धाम से, तारतम सबको सार। बहुत धन लाए धनी धाम से, विधिविध के प्रकार मैं सबको तोलिया, तारतम सब में सार। तारतम को सबका सार क्यों कहा गया? क्योंकि ये तारतम यथार्थ सत्य की पहचान कराता है। ये तारतम वाणी अक्षरातीत के हृदय से प्रकट हुई है, और इसलिए तो कहा है, एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए धीरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, सुख होशी कैसा सागरोबल। महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत के हृदय से एक बूंद आती है और वो स्वयं सागर बन जाती है। इसलिए कहते हैं, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन। ये तारतम ज्ञान का सागर है, सूर्य के समान सबके हृदय में अज्ञानता का अंधकार हटा देने कर उजाला करने वाला ज्ञान है। लेकिन हम यदि भागवत की किसी कहानियों को ही प्राथमिकता दें, आप बताइए, क्या सस्यबिंद की एक अरब संतान हो सकती है? चित्रकेत की एक करोड़ रानियां हो सकती हैं? क्या मन इच्छमाकू के नाक छिंकने से पुत्र की पैदाइश हो सकती है? क्या अत्रि ऋषि के नेत्रों से क्या चंद्रमा का जन्म हो सकता है? क्या कश्यप और अदिति से पेड़ पौधे गाय घोड़े और सिंह वगैरह की उत्पत्ति हो सकती है? बुद्धि और ज्ञान के विपरीत जो बातें, विज्ञान के विपरीत जो बातें भागवत में लिखी है, उस भागवत की हम आरती उतारते हैं, लेकिन उस भागवत में जिस श्री कृष्ण की मनोहारी ब्रजलीला का वर्णन है, उस ब्रजलीला से भी हम प्रेम नहीं सीखते हैं। हम भागवत की कथाएं करें तो भी क्षम्य है, लेकिन यदि घृणा फैलाएं तो वह क्षम्य नहीं है। भागवत और राधा कृष्ण के ओट में प्राणनाच और ब्रह्मवाणी को किनारे करना कहीं ना कहीं एक अक्षम्य अपराध को जन्म दे रहा है। हम ठीक हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास ऊंचे पद हैं, कोई हमारे सामने नहीं बोलेगा, लेकिन यह याद रखिए, यह संसार इतिहास चक्रवर्ती सम्राट को भी क्षमा नहीं करता। इतिहास का चक्र काल चक्र ऐसा होता है जिसमें सबके व्यक्तित्व की समीक्षा होती है। यौवन पद और धन आकाश में चमकती हुई बिजली के समान है, इसको पाने के बाद कभी भी मनुष्य को अहंग नहीं पालना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र बहुत ही परिवर्तनशील होता है। यदि यह संसार सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के कार्यों की समीक्षा करता है, तो हमारी भी कार्यों के आने वाले समय में समीक्षा की जाएगी। उस समय हमारा तन नहीं होगा, लेकिन उस समय समीक्षा के घेरे में हम आएंगे कि हमने ब्रह्मवाणी को ढकने का प्रयास किया, हमने भागवत की ओट में ब्रह्मवाणी को और प्राणराज के स्वरूप को घटाने का प्रयास किया। यदि आप श्री प्राणराज की महिमा नहीं गा सकते, तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है कि उनको संत महापुरुष कवि और आचार्य कहकर हल्का करने का प्रयास करें। हम तो श्री कृष्ण को छोटा नहीं कहते, हम तो मानते हैं कि श्री कृष्ण के तन में 11 वर्ष 52 दिन तक उसी अक्षरातीत ने लीला की थी, जिस अक्षरातीत ने इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला की है, और आज भी हर ब्रह्मात्मा के साथ उनका स्वरूप जुड़ा हुआ है। यदि हम अंतर्दृष्टि देखें तो इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। हमें हर ब्रह्मात्मा के अंदर युगल स्वरूप की छवि दिखाई देगी। आवश्यकता यह है कि हम शरीर से परे होकर अपनी अंतर्दृष्टि को खोलें, तो जैसे राधा ने देखा था कि हर गोपी के अंदर वह स्वयं विराजमान है, श्री कृष्ण विराजमान है, उसी तरह से हमें हर ब्रह्मात्मा के अंदर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बाल हो या वृद्ध हो, सबके अंदर वही अक्षरातीत नजर आएंगे। तब हम घृणा के
जो आंसू बह रहे हैं, घृणा की जो अग्नि हमारे हृदय में प्रवाहित हो रही है, शायद हम पश्चाताप के आंसुओं से स्वयं को डुबोने का प्रयास करेंगे। और यही अपराध हमें परम धाम तक हमें रुलाता रहेगा कि हमने प्रेम नहीं फैलाया बल्कि घृणा का ज्वालामुखी ही हमने फोड़ दिया। याद रहे, यदि हम प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, यदि हम घृणा अपने अंदर पालेंगे तो सबसे अधिक अहित हमारा ही होगा, क्योंकि घृणा के संस्कारों से भरे होने के कारण हम कभी भी युगल स्वरूप की छवि का आनंद नहीं ले सकेंगे। आवश्यकता यह है कि समस्त समाज, चाहे कोई निज नाम श्रीकृष्ण जी कहता हो या निज नाम श्री जी साहेब जी कहता हो, घृणा की भावना को छोड़े, अपने हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाए, ब्रह्मवाणी को फैलाए, प्राणनाथ जी की महिमा को फैलाए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो शायद हम अपना भी भला करेंगे, सारे समाज का भला करेंगे और समस्त ब्रह्मांड का भला करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा ब्रह्मवाणी की अमृत धारा को संसार में फैलाने में लगनी चाहिए, न कि तारतम महामंत्र का विवाद खड़ा करके, केवल जप को प्राथमिकता देने की, कर्मकांड को प्राथमिकता देने की, शोभा यात्राओं में लाखों रुपये व्यय करने की होनी चाहिए। इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आप जन जन के हृदय में ब्रह्मवाणी गुजाइए, आप जन जन के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसाइए, सबको बताइए कि हमारा वो प्रीतम अक्षरातीत जो ब्रजराज में लीला कर चुका है, इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के रूप में अवतरित हुआ है और उसके दिए हुए अलौकिक ज्ञान का रसपान संसार का हर प्राणी कर सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए ब्रह्मवाणी है। यदि हम इस ब्रह्मवाणी को एक संप्रदाय विशेष का बना देते हैं, भागवत के सिकंजे में बांध देते हैं कि हम केवल भागवत और कंठी माला से आगे सोचना ही नहीं चाहते, एक छोटे संप्रदाय की परिधि बनाकर हम अपने ज्ञान को वैश्विक स्तर पर लाना ही नहीं चाहते, तो ये हमारा अमिट गुनाह होगा और इस अमिट गुनाह का प्रायश्चित तो परात्म में जगने के बाद ही होगा। लेकिन आश्चर्य है कि ऐसा गुनाह तो परमधाम की ब्रह्मात्मा कर ही नहीं सकती, जो अपने हृदय में घृणा के संस्कारों को पाले बैठे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने हृदय में प्रेम का रस चखें, आप देखो औरों को दिखाओ, अपने हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाएं और दूसरों के लिए भी उसका मार्ग प्रशस्त करें। धामधनी से प्रार्थना है कि सबके अंदर प्रेम का ऐसा ज्वारभाटा पैदा कर दें कि उसकी सुगंध से सारा ब्रह्मांड भी सुगंधित हो जाए।